अगली खबर में बात करते भिंड की, जहां प्रदेश में अक्टूबर माह में हेलमेट अभियान शुरू हो चुका है। भिंड पुलिस हेलमेट को लेकर जिले में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। भिंड के एक ढाबा संचालक आगे आया है। ढाबा पर भोजन के लिए पहुंचने वाले चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया। जिन बाइक चालकों के पास हेलमेट नहीं है, उन्हें ढाबे पर भोजन देने से इनकार कर दिया जाता है। ये सब हाईवे पर होने सड़क हादसे को रोकने के लिए ढाबा मालिक द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर ने मोटर अधिनियम की धारा 128 व 129 का सख्ती से पालन करने के निर्देश के तहत भिंड SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त निर्देश पारित किए हैं। जिले के बाइक चालकों के बीच हेलमेट अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भिंड जिले की पुलिस जिले के अलग अलग हिस्सों में हेलमेट अभियान कर बाइकर्स को जागरूक कर रही है। पुलिस के इस अभियान के सपोर्ट में महगांव का एक ढाबा संचालक उतर आया है। महगांव के मधुवन ढाबा संचालक सुबीर सिंह नरवरिया ने अपने ढाबे पर बैनर भी लगाए हुए हैं। उक्त ढाबा मालिक ने ये अभियान बीते रोज से शुरू किया है। ढाबा मालिक सुबीर सिंह नरवरिया ने बताया कि ग्वालियर भिंड इटावा हाईवा क्रमांक 719 में आए दिन हादसे होते हैं। सबसे ज्यादा हादसे के शिकार बाइक चालक होते हैं। बाइक चालक बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, इस वजह से हादसे के शिकार होते हैं। इसलिए उनके बीच जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया गया है।